हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम चलते हैं 8th क्लास पे। चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.1 में आज फिर मैं यही कहूंगा कि आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको कृपया करके बिल्कुल भी मिस ना करें। और इससे पहले जो वीडियोस डाली गई इस चैप्टर की वो जरूर देखें, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो सारा समस्या गायब हो जाएगा। इसलिए वो भी देखें और साथ में ये देखेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहा है। इसने एक डायग्राम हमें दे दिया है, कुछ इस टाइप में ये डायग्राम है। तो जो चतुर्भुज होता है तो चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म, इसमें कोणों के नाम नहीं दिए गए हैं, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। और लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो ए बी सी कितना है जरा देख लेते हैं। एंगल ए जो है 130 डिग्री, एंगल बी 120 डिग्री, सी हमारे पास में एक्स है और डी हमारे पास है 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो अब जब इन सबको जोड़ेंगे हमारा तो कितना आंसर आएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा 300 प्लस एक्स बराबर 360। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, 360 माइनस 300 बराबर 60 डिग्री। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारा एक्स का मान निकल गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में कहा फिर वही हम ये लैंग्वेज लिखेंगे चतुर्भुज के, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। तो इसमें फिर चारों कोणों का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना है हमारे पास, 90 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। अच्छा ये 90 डिग्री कैसे है, आपकी बुक में सिर्फ इतना डायग्राम दे रखा है। तो पूरा जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पे वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इस सिंबल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो एक्स को यहीं रखेंगे और प्लस इनको टोटल करेंगे कितना आएगा बच्चों, 220 360 डिग्री। एक्स को यहीं रखेंगे 360 डिग्री माइनस 220, तो जीरो का जीरो, छह में से दो गया चार, तीन में से दो गया एक, 140 डिग्री इसका आंसर होगा एक्स का। में डी वाला जो पार्ट है, एक दो तीन चार पांच, वही पंचभुज का कोण योग गुणधर्म, यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। और इस प्रॉपर्टी को लगाने के साथ साथ अब देखो इसमें सारे ही एक्स हैं, कितनी बार एक्स है, पांच बार एक्स है, एक दो तीन चार। तो हम लिखे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 540 डिग्री। 540 डिग्री लिखने का जी सब में क्या, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, पांच बार बराबर 540 डिग्री। एक्स पांच बार हो गया, पांच एक्स लिखेंगे बराबर 540 डिग्री, दोनों को पांच से डिवाइड कर देंगे तो ये तो एक्स बचेगा, एक्स बराबर पांच एकम पांच जीरो, पांच अट्ठे चालीस, 108 डिग्री का इसका एंगल होगा।